दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं कि रनिंग रूम जहाँ पे लेटा जाता है, खाना खाया जाता है ट्रेन को खड़े करने के बाद या साइन ऑफ करने के बाद, तो कैसा होता है। ये हम आए हैं इस समय मालदा डिवीज़न की लॉबी है साहिबगंज, वहाँ पे आए। आप देख सकते हैं ये दो मंजिला इमारत है, जिसके आप जब आएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये साहिबगंज का बगीचा है और बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं। सुबह यहाँ बैठ के अगर पेपर वगैरह पढ़ो, जो अंदर रहते हैं, इंग्लिश का भी आता है, हिंदी का भी आता है, मज़ा आ जाती है। ये जो नीचे वाले आप कमरे देख रहे होंगे, ये मेल एक्सप्रेस के ड्राइवर और ALP के लिए बुक है और गार्ड के लिए। और ऊपर के ये सारे कमरे जो आप देख रहे हैं, ये गुड्स ट्रेन के ड्राइवर और ALP और गार्ड के लिए है। और नीचे भी जो कमरे हैं वो गुड्स के, गार्ड, ALP और लोको पायलट के लिए बुक है। ऊपर ये टॉयलेट है, नीचे भी टॉयलेट है। और दिखाते हैं और क्या क्या सुविधा होती है। ये अध्ययन कक्ष है, मतलब रीडिंग रूम या लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। यहाँ आपको पढ़ने की सुविधा पूरी उपलब्ध है, किताबें रखी हुई हैं, आपको जो जो पढ़ना हो, AC वगैरह सारी फिट है। और यहाँ भी कुछ रैक में जो किताबें रखी हुई हैं और अच्छी अच्छी किताबें हैं, एक से एक कुछ किताबें हैं। वैसे भी मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, तो देखिए सारी किताबें अच्छी हैं, बढ़िया पुरानी पुरानी किताबें हैं जो जल्दी मिलती नहीं हैं, यहाँ पे सब मिल जाएगी। एक साथ इतने लोग बैठ सकते हैं, खिड़कियाँ लगी हुई हैं। बाहर की तरफ अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको और अच्छा देखने को मिलेगा, झूला वगैरह लगे हैं। कुछ कमरे इधर भी बने हुए हैं, ये भी गुड्स के लिए हैं, ड्राइवर, ALP। आम का पेड़ लगा हुआ है इधर भी। अब आपको दूसरे कमरे की ओर ले चलते हैं, यहाँ का AC वगैरह बंद कर दें क्योंकि अभी पढ़ रहे थे, इस वजह से खुला था। और ये कमरा किस लिए है, अंदर से लॉक है। और ये आप अगर जिम के शौकीन हैं तो आप जिम भी कर सकते हैं, इधर भी सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बहुत बढ़िया ब्रो, तुम्हें ट्रेन घसीट नहीं है, देख रहे हैं। सॉरी, ये मैट है और ये सारी मशीनें हैं। अब चलते हैं, एक रूम और है, अगला रूम मेडिटेशन रूम या ध्यान कक्ष है। यहाँ पर आप अगर योगा करना चाहते हैं, ध्यान के शौकीन हैं, तो ये कमरा आप लोगों के लिए ही है। लिखा है द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, कितनी प्यारी लाइन लिखी है। महात्मा बुद्ध जी की बहुत ही सुंदर तस्वीर लगी हुई है। कुछ आसन वगैरह भी दिए हैं अगर गैस कब्ज हो जाती है आपको ज़्यादा खाना खाने से। और ये सूर्य नमस्कार का पूरा दिया हुआ है, कुल मिलाकर अच्छा है। म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है, आप अपना मोबाइल फ़ोन लगाकर गाने वगैरह या जो भी कुछ सुनना चाहें सुन सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इतनी सुविधा है। और ये रूम नंबर 17 से 22 उधर हो गए और 1 से लेकर 10 तक ये हो गए, यही है। सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कठिन ड्यूटी करके या हार्ड ड्यूटी करके आप जब कभी आए तो ऐसी सुविधाएं आपके माइंड को अच्छा बनाती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो ये हर जगह होनी चाहिए। कुछ छोटी लॉबी होती है, वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन हो सकता है भविष्य में वहाँ भी होने लगे।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।